देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब कल संसद में नए स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। एनडीए ने बीजेपी सांसद ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है। बिरला पिछली लोकसभा में भी स्पीकर थे, वहीं विपक्ष ने कांग्रेस के 8 बार से सांसद के सुरेश को उतारा है। वहीं दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है। अब तक चुनाव ओम बिरला लगातार दूसरी बार बनेंगे लोकसभा के स्पीकर, नामांकन आज विपक्ष को दिया जा सकता है डिप्टी स्पीकर का पद। पक्ष और विपक्ष दोनों नेता रहे अपने उम्मीदवार। एनडीए ने बीजेपी सांसद ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो विपक्ष ने कांग्रेस के 8 बार से सांसद के सुरेश को उतारा है। दोनों उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन किया है। कल लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। देश के इतिहास में ये पहली बार होगा जब लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और अमर हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करते हैं। अमर, देखिए देश के इतिहास में ये पहली बार होगा जब लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब कल संसद में नए स्पीकर को लेकर चुनाव होगा, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है, पूरी जानकारी दे। बिल्कुल, देखिए कल 11 बजे चुनाव होनी है। चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी कल 11 बजे, वोटिंग होगी। और उसके बाद आज और कल की अगर बात करें तो कल राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि स्पीकर पद के लिए जो है आप हमें कोऑपरेट करें, मदद करें। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ठीक है, मैं आपको स्पीकर पद के लिए मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ, विपक्ष पूरी मदद आपको करेगी, लेकिन डिप्टी स्पीकर जो है विपक्ष के खेमे से होने चाहिए। तो इस पर कहा गया कि ठीक है, मैं बात करके आपको बात कहूँगा जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनका कॉल नहीं आया। कॉल नहीं आने के वजह से आज अगर आप देखें तो मतलब बात नहीं बनी, इसका मतलब बिल्कुल साफ था। आज जो है 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हुआ तो पूरी प्रक्रिया के बारे में राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया था। लेकिन आज राजनाथ सिंह का आ गया कि मैंने 3 बार कॉल किया और जो बातचीत हुई वो ये इसका मसला ये है। तो अगर आप देखें कि जिस तरह से आज नॉमिनेशंस जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार ने किया और ओम बिरला ने, और दूसरी ओर से विपक्ष के ओर से के सुरेश ने अपना नॉमिनेशन से फाइल किया। के सुरेश ने भी कह दिया कि जीत हो या हार हो पार्टी ने जो निर्णय लिया है उस पार्टी से हम उस पार्टी के के वादे पे मैं खड़ा हूँ और चुनाव मैं लड़ूंगा। तो बिल्कुल मतलब साफ है कि कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों के चुनाव होने हैं। 11 बजे के बाद इस चुनाव होंगे। अब देखना ये होगा, अगर आप आंकड़े देखें, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास आंकड़े हैं लेकिन विपक्ष ने अपने कैंडिडेट खड़ा करके ये एक मुसीबत और कहें कि एक परंपरा जो चली आ रही थी उसको ख़त्म कर दिया। और अब विपक्ष ये चाहता है कि उसे डिप्टी स्पीकर दिया जाना चाहिए, तो उस मामला में बातें बन सकती है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो आपस में खींचतान की है और लड़ाई बिल्कुल साफ है। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये बात बन पाएगी या फ्लोर मैनेज होगा, क्योंकि कल चुनाव है। कल चुनाव के बाद जो फैसला आ जाएगा, आंकड़े बिल्कुल सत्ता पक्ष यानी एनडीए के पक्ष में है और विपक्ष के पास उतने है नहीं, लेकिन विपक्ष ये कोशिश करेगा कि जो सत्ता पक्ष के और भी लोग हैं उनसे बात करें और के सुरेश को मदद करें। लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। कल 11 बजे के बाद जब रिजल्ट आएगा चुनाव के बाद, तब देखना होगा कि क्या स्थिति है, क्या सही मायने में सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो लड़ाई थी वो किस ओर जाती है, जीत में या हार में। जी बिल्कुल, तो कल 11 बजे रिजल्ट के बाद ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमर, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनडीए ने ओम बिरला को उतारा है, विपक्ष ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया। कल इसे लेकर चुनाव होगा, उसके बाद ये फैसला आ जाएगा। 11 बजे इसके रिजल्ट सामने आ जाएंगे जब 11 बजे चुनाव होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।